संचालित किया जाए। इसमें कितने लोग जाने की संभावना? हजारों की तादाद में है, 1500-2000 लोगों का इसमें आना होता है, और भी प्रदेश से काफी लोग आते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? भाईचारे का ही मैसेज है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी भाईचारे की शिक्षा दी है, और हम भी प्रदेश में प्रदेशवासियों से यही अपील करते हैं कि वो भाईचारे के साथ रहें और सबको मिलजुल के जो संदेश है हमारे गुरु साहब का, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मिलकर रहना चाहिए सबको इस प्रदेश में। लखनऊ में पिछले दिनों CAA के विरोध में विशेष समुदाय के लोगों ने या अन्य लोगों ने मिलकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि पहले CAA है क्या, NRC है क्या। मैं समझता हूँ कि 70% लोगों को पता ही नहीं कि CAA है क्या और NRC क्या, तो बिना सोच के या समझे उसको जो है इस तरह से टूल दे देना और उसका विरोध करना, मैं समझता ठीक नहीं। विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, ना कि हम अपने ही देश में रहने वाली रह रहे हैं और अपने ही देश की प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाएं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपसी सद्भाव से कुछ बातें हैं जो बैठ के भी सुलटाई जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं।